राजा भैया अखिलेश यादव, राजा भैया अखिलेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 राजा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रमुख जी मतलब उतार दें। अरे संजू भैया रुक जाए यार, फोटो फोटो चाहिए, चिंता तो नहीं सब। अरे भैया नहीं आ पाए,
महेशगंज से आपसे पीछे लगे हैं, मौका नहीं मिल रहा है भैया। एक मिनट आप फोन बता ही रहे हैं, हमने समर्थन नहीं मिल रहा है, शिकायत का नहीं मिल पा रहा है। चलिए बात मिल गया आपको, आपको धन्यवाद जी। आप युवा हैं और जिस तरह से आपके व्यस्त जीवन की लोगों की दिखाई दे रही है और आज जनसत्ता दल ने समर्थन दिया, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला आपके साथ चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, अब की बार मुझे लगता है रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना। पुष्पेंद्र जी, क्या आपने उम्मीद की थी कि पहली बार आप लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बने हैं और इतना ज्यादा जन समर्थन आपको मिला, जो युवा है खासतौर से आपकी तरफ आकर्षित? उम्मीद से ज्यादा युवाओं ने जुड़ने का काम किया, मेरा भरोसा जो था उससे ज्यादा हमको समर्थन मिला। और अब की बार जो भारी भरकम भीड़ आप देख रहे हैं, उनके ही साथ से हम सब लोग मिल करके ये लोकसभा जीतने वाले। कल मंझनपुर में अखिलेश यादव की जो जनसभा थी और उसमें अपार जन समूह उमड़ा था, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोग अपने साधन से आए थे और उन्होंने बहुत तारीफ की थी कि बहुत ज्यादा लोग आए थे और जिस तरीके से जनसमूह उनको दिखा था, उन्होंने हमको बताया कि अब की बार यहाँ से परिवर्तन तय है। लगभग बहुत बहुत प्रसन्न। क्या लग रहा है कि 4 जून को क्या होगा? देखिए, 4 जून को देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 4 जून को यहाँ कौशाम्बी में, कौशाम्बी की बात करूँ तो 4 जून को यहाँ से रिकॉर्ड मार्जिन से हमारे पार्टी की जीत होगी, मेरी जीत होगी, हमारे लोगों की जीत होगी एक रिकॉर्ड मार्जिन से। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। चलो बात मिलेगी, रास्ता पड़े वहाँ से।